देखो डायमेंशनल फॉर्मूला चल रहा था, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। इसमें पूछे थे हम, वर्क भी दिए थे, रेसिस्टेंस का बताओ क्या होगा, डायमेंशन तो क्या होगा बताओ। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़े ही थे तुम लोग, क्या होता है अपॉन आई होता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन रेसिस्टेंस का जानने के लिए उससे पहले हमको जानना पड़ेगा ये वोल्ट का, आई का तो जानते हैं एम्पियर, और ये वोल्ट का नहीं जानते हैं, मतलब ये पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान, देख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं। बताओ क्या होता है फॉर्मूला, 10th क्लास पढ़ के आए हो। कोई बता सकते हो, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है उतना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद है? वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हम लोग वर्क का जान गए हैं, क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, होता है कि नहीं, कि नहीं होता है। और क्यू बराबर आई टी, आई टी होता है, क्यू बराबर क्या होता है आई इंटू टी। कल चार्ज का भी बोले थे, नहीं देखा होगा, टाइम नहीं मिला होगा तुम लोग को चार्ज का देखने का। क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, आई यहाँ आई देख लो क्यू का, तो चार्ज का हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा टी, हो जाएगा डायमेंशन नीचे और ये ऊपर, देख लो वर्क का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और ए टी नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ये किसका आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्लियर है सबका, अभी 10th लेवल पे चल रहा है, क्लियर है। अब इसका जब इसका जान गए हो, नोट कर लो इसको, नोट किया, क्योंकि ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है और चार्ज का डायमेंशन होता है ए इंटू टी, होता है कि नहीं, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है ए इंटू टी, कैपिटल टी, तो नीचे ए टी ऊपर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। देख लो टेक्निक बता दिया, कहीं पे हो सकता है मिस्टेक, हो सकता है स्पीड में, तो ये चीज को देख लेना, नोट कर लिया होगा। दूसरा पहला दो रेसिस्टेंस था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई वेट कर रहा है, और भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देख लो क्या हो गया, अभी निकाले हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, यही निकाले हैं कि नहीं ऊपर में, और आई का क्या होता है ए नीचे में, तो रेसिस्टेंस का क्या हो गया, सनी तुम तो निकाल लिया होगा, ये तो मिटा दें नीचे वाला, नीचे वाला मिटा देते हैं। मिटाने वाला भी मेरा गिर जाता है, और जो वेट कर रहा है वीडियो देख लेगा, उसके लिए नहीं है टेंशन। अब देख लो एम एल स्क्वायर, देख लो दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, पता नहीं मार्कर भी मेरा डिस्टर्ब कर रहा है आज। जल्दी, ठीक है। और आई का ए होता है कि नहीं, तो ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, होगा कि नहीं, निकाला सनी तुम ये, ठीक है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री एम टू, ये निकालो, ये क्यों बता रहे हैं, अभी आएगा समझ में आएगा, अभी क्यों बता रहे हैं, क्लियर हो जाएगा अभी। और दूसरा
ठीक है, नोट कर लिया इसको, वेट कर रहा था मेरा कि सर बोलेंगे तब ना नोट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब आएंगे मोटा मोटी बहुत कुछ है निकालना, तो अभी उस पर हम ये डिस्कस नहीं करते हैं। नोट करके ये लिखाए थे कि नहीं तुम लोग को, ये नोट करके एक चीज लिख लो पहले, उसके बाद चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे, ये बताओ टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी था कि नहीं? टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सा था बताओ? टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, एक था एंगल जिसको प्लेन एंगल भी बोलते थे, एंड दूसरा सॉलिड एंगल था कि नहीं? सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स, नोट कर लो, बट नो डायमेंशन, ठीक है। ये तो क्लियर कर लिया था। अब देखो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइम में, पूछ देता है एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन बट नो यूनिट, ऐसा हो सकता है? पूछ रहा है क्वेश्चन कि जिसको कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं है, ऐसा हो सकता है? आंसर क्या आएगा? ना, नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है, मिटा दें इसको। आप आ रहे हैं तुम्हारा थोड़ा सा, अभी एक दो स्टेप बाद वहां पे आएंगे। कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ना हमको, ठीक है, या तुम्हारा जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड करवा दे पहले, ये बता दो। ठीक है, बेटा इसको जिस टाइप पहले, ठीक है, तो ठीक है। देखो एक चीज है, हो गया डालो, हाँ नहीं दिखा दे रहा आप, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी जो है वहां है, लेकिन उसका क्वेश्चन है उसको समझाने के लिए हमको स्टेप दो तीन स्टेप आगे बढ़ना पड़ा, ठीक है। डेराइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग पूरा क्लियर, इसको डी भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको देख लो। एक चीज ये तो अब देखो एक चीज फोर्स फोर्स एफ पार्टिकल
फोर्स एफ ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मास एम ऑफ पार्टिकल, नोट कर रहे हो। दूसरा एक्सेलरेशन ए ऑफ ए पार्टिकल, नोट कर लिया सब फास्ट, ठीक है। ये कह रहा है तो इसमें करना है फाइंड द रिलेशन, सॉरी फाइंड द एक्सप्रेशन होगा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, नोट कर लिया होगा। ये बताओ रेहान प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। ये फोर्स एफ ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मास एम पार्टिकल एक्स पार्टिकल, ठीक है, लिख लिया। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, ये फोर्स है, लिख लिया क्वेश्चन कि नहीं लिखा, लिख लिया, मिटा दें इसको, ठीक है। अब देखो शनि उसी टाइप का लग रहा है कि नहीं, रिलेटेड है, ठीक है। तो देख लो इसका टेक्निक कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या, किसका बोला, फोर्स का एक्सप्रेशन बोल रहा है ना, याद है ना, फोर्स का एक्सप्रेशन बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यही तो बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये डिपेंड हो रहा है मास और एक्सेलरेशन पर, तो क्या आपके क्वेश्चन, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम पे पावर एक्स, ध्यान देना, और किस पे कर रहा है, एक्सेलरेशन पे, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर वाई, इज और पर डिपेंड करता तो उसका जेड ले लेते, समझ में आ रहा, ठीक है, क्लियर है। ये यदि एक चीज और फोर्स डिपेंड करता तो एक्सप्रेशन ले लेते, बीच में फोन आके डिस्टर्ब कर देता। अब देखो एक ये लगाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एम पे पावर एक्स हो जाएगा और ए पे पावर वाई होगा कि नहीं, ये पहला था, ये दूसरा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो के लगाते हैं और ए पावर वाई है यहां पे। अब देखो इसका काम, ये बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है। अब करेंगे इसमें लिखेंगे डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू, क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ RHS, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बताओ डायमेंशन ऑफ LHS फोर्स है उसका डायमेंशन, तो फटाक से कह दोगे MLT-2, लिख दिया इस। और डायमेंशन ऑफ RHS में क्या है ये बताओ, K तो कांस्टेंट ही है ना, के क्या है, कांस्टेंट ही है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एम का क्या होता है, एम तो एम पे पावर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2 होता है कि नहीं ये बताओ, और उस पर पावर वाई होगा कि नहीं, ठीक है। इसको ये वाले को के वाले को ए मान लो, मान लिया, अब देखो LHS जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, RHS में क्या हो जाएगा, एम पे पावर एक्स आएगा कि नहीं, और एल पे पावर कितना आएगा, वाई आएगा, और टी पे पावर -2y आएगा कि नहीं बता दो, एक्सपोनेंट सब पढ़ के आए हो, तो ये तो सर बच्चा वाला चीज है मेरे लिए नहीं। अब LHS RHS में ये दिया हुआ, ये बताओ LHS में m पे पावर 1 है, m पे पावर x है, तो m पे पावर 1 इक्वल टू m पे पावर x,
तो एक्स कितना होगा? आप ध्यान देना, पावर एलएचएस में वन है और एल पे पावर इधर वाई है, तो वाई कितना? वन। आप देखो कहोगे सर ये दोनों कर दिए करके दिखा, तो टी पे पावर एलएचएस में कितना? माइनस टू है, माइनस टू, और आरएचएस में टी पे पावर माइनस टू वाई। ओवरऑल वाई इस केस में भी कितना आएगा? वन आएगा कि नहीं? दोनों केस में देख लो, एल को भी इक्वल किए तो वन आया, टी को इक्वल आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ये टोट क्यों कर रहा? देखो तो कोई वेट कर रहा है क्या? टोटो कर रहा, ये समझ में नहीं? बताओ और ये फिजिक्स थोड़े पढ़ रहे हैं, अभी मैथ पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? डायमेंशन तो सीख लिया हम, वही वैल्यू करना है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये तो बच्चा वाला चीज पढ़ रहे हो। अब देख लो एक मिनट, यहाँ किए फोर्स डिपेंड ऑन मास, जिस पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके एक्स वाई जेड कर देंगे पावर, दोनों को कंबाइन किए तो देख लो एक बार, क्लियर? ये नोट कर लिया होगा। नीचे आएंगे अब ए इक्वेशन में, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन ऑफ एलएचएस बराबर डायमेंशन ऑफ आरएचएस, डायमेंशन में फोर्स है, इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, डायमेंशन ऑफ आरएचएस में मास है, मास पावर एक्स, और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू पे पावर वाई, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करेंगे, एम पे पावर वन था और आरएचएस में एम पे पावर एक्स है, सेम बेस रहने पर पावर इक्वल एक्स इक्वल टू वन, एलएचएस में वन है और आरएचएस में वाई है, एल पे पावर वन इक्वल टू एल पे पावर वाई, वाई इक्वल टू वन। फिर हम देखते हैं कि टाइम पीरियड में, यदि मान लो वाई का दोनों में दिया हुआ टाइम पीरियड में यदि गड़बड़ आ गया, कहीं ना कहीं हम चेक कर सकते हैं ना कि एल पे पावर वाई और एल पे पावर वन से वन आया, और टी को जब इक्वेट कर रहे हैं तो वन नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं इक्वेशन गड़बड़ है। समझ में आ रहा सनी? टी पावर माइनस टू, टी पे पावर माइनस टू वाई, माइनस टू इक्वल टू माइनस टू वाई, वाई इक्वल टू कितना आ गया? वन। यहां तक नोट कर लिया, मिटा दे इसको, मिटा दे ना। अब देखो एक मिनट, ये बताओ ये जो फ्रॉम ए एफ का यूनिट क्या हो गया ओवरऑल? के, हम के का वैल्यू नहीं जानते हैं मान लो, तो एम पे एक्स का वैल्यू कितना आया? वन आया कि नहीं? और ए का भी वैल्यू कितना? वन। यानी फाइनली जो इन टर्म्स ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है, ये आया। और जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम जानेंगे, एफ बराबर एम ए होता है, पढ़े हो कि नहीं? तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पे? वन जानते हैं, जिसका जानेंगे वो लिख देंगे, जिसका नहीं जानेंगे, और जब ओवरऑल पढ़ लोगे एफ बराबर एम ए, यही बोलना चाह रहा है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सनी क्लियर है कि नहीं? अब और भी देख लेते हैं, एक मिनट और भी देख लेते हैं, ये देखो, ये नोट कर लो, मिटा दें, और भी देख लेते हैं, अभी आएंगे, ठीक है। और देख लो दूसरा क्वेश्चन, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये हो जाएगा तुम्हारा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला देंगे तो तुम लोग इसे अलबल करोगे, बिना कैलकुलेशन के थोड़ा सा देना चाहते हैं, रुको, थोड़ा सा कम कैलकुलेशन वाला, नहीं तो कहोगे सर ये तो। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मास एम, दिखाई दे रहा है सबको, मूविंग इन ए सर्कल, मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस
आर विथ, दिखा दे रहा है वीडियो क्लियर, विथ वेलोसिटी बी डिपेंड्स अपॉन एम वी एंड आर, ठीक है, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन लिख लिया होगा सब, देख लो फिर से दिखा रहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी वी डिपेंड्स अपॉन एम वी एंड आर, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। क्लियर है, लिख लिया होगा। ठीक है, मिटा दें इसको, बताओ विजय, नोट किया? ठीक है ठीक है। अब देख लो, मेरे हिसाब से अब देखो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पे, एम पे पावर एक्स होगा कि नहीं, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे, वी पे पावर वाई होगा कि नहीं, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, तो रेडियस पे पावर जेड होगा कि नहीं, बता दो। क्लियर, तीनों को मिलाओगे एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख रहे हैं के एम पे पावर एक्स वी पे पावर वाई और आर पे पावर जेड होगा कि नहीं, ये बता दो। फोर्स का तो यूनिट पढ़े हो अभी, बार बार बता रहे हैं एम एल टी माइनस टू होगा कि नहीं। अब डायरेक्ट करेंगे डायमेंशन ऑफ एल एच एस बराबर डायमेंशन ऑफ आर एच, इसका क्या होगा, एम पे पावर एक्स, मास का तो एम ही होता है और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है कि नहीं, और ये लगा दोगे ब्रैकेट, और इसका होता है रेडियस है तो ये भी लेंथ ही है, लिख लिया होगा, ये सब कर लिया होगा यहाँ तक कि नहीं किया। तो एम एल टी माइनस टू ये बताओ एम पे पावर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, एक मिनट, ये एल पे पावर वाई था ना, वेलोसिटी पे पावर वाई कहाँ दिए और ये कहाँ जेड दिए, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एल पे पावर जेड है या एल पे पावर वाई है, तो एल पे पावर क्या होगा, वाई प्लस जेड होगा कि नहीं, और यहाँ पे टी पे पावर माइनस वाई होगा कि नहीं, दिक्कत है किसी को? अब देखो एम पे पावर वन एम पे पावर एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ गया वन, अब देख लो यहाँ टी पे पावर माइनस टू और टी पे पावर माइनस वाई, वाई का वैल्यू कितना आ गया टू, अब देख लो यहाँ पे एल पे पावर वन है, एल एच एस में है ना एल पे पावर वन, और एल एच एस में आर एच एस में वाई प्लस जेड है तो वाई का वैल्यू कितना निकाले हो वन, वाई का वैल्यू टू प्लस जेड, तो जेड का वैल्यू माइनस वन, ये समझ में आया सबको कि नहीं अच्छे से, सनी क्लियर है कि दिक्कत है? अब इसमें भी हम बोल रहे हैं कोई भी चीज का टेक्निक समझ लो, क्वेश्चन आएगा डिपेंड्स अपॉन वाला 100% बनेगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो बशर्ते उसका डायमेंशन पता होना चाहिए तुम लोग को। तो क्या लिखा हुआ यहां, नोट कर लिया सब, और ये वाला को ए मान लेना, इसको ए मान लेना, मैन इक्वेशन के वाले को मान लिया कि नहीं माना? अभी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, टेंशन मत लो, सिर्फ डायमेंशन ही नहीं सीखोगे, देख लो। ये नोट कर लिया होगा कि नहीं किया नोट, बता दो, ऊपर से नोट कर लिया है,
अब बताओ ए इक्वेशन, फ्रॉम ए इक्वेशन का वैल्यू कितना आया, ये वैल्यू पुट करने पर फ्रॉम ए क्या आया, एफ का वैल्यू कितना आया बताओ। एफ देखो के था कि नहीं, के था, एम का एक्स का वैल्यू कितना आया वन, तो एम पे पावर वन हो गया वा कि नहीं, और वी पे पावर वाई था, वाई का वैल्यू टू था, तो वाई तो वी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, टाइम का आया उसका आया क्या मतलब है, कोई भी y का वैल्यू किसी से भी निकालोगे सेम आंसर आएगा, y का वैल्यू किससे, तुम m को एक बार किया x का वैल्यू वन आया, l को एक बार करोगे तो देख लो l का वैल्यू इससे किए थे, देख लो l पे पावर वन इक्वल टू l पे पावर y प्लस जेड है, तो वन इक्वल टू कितना y प्लस जेड आया, और t पे पावर माइनस टू था और t पे पावर माइनस वाई था, तो y का वैल्यू टू आया, इसमें t का था उसका था, क्या समझ में नहीं आया, अब देख लो इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, वैसे मत सोचना। अब देखो f बराबर फ्रॉम a लिखा, फ्रॉम a, और जो मन से नहीं पढ़ता उसको तो ये भी समझ में नहीं आएगा इतना अच्छा से बताने के बाद भी, f बराबर देख लो पे पावर वन आया, वी पे पावर टू आया, और आर का वैल्यू जेड का वैल्यू कितना आया था माइनस वन, तो अब देखो इस केस में के का वैल्यू वन लेते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली कितना लेते हैं ये नोट कर लो, एक्सपेरिमेंटली जैसे अगर एमए में के का वैल्यू वन लिए थे वैसे इस केस में भी एक्सपेरिमेंटली के का वैल्यू वन लेते हैं, नोट कर लिया। अब बताओ ये क्या आएगा, एम बी स्क्वायर, आर नीचे हो जाएगा कि नहीं, आर पे पावर माइनस वन है, दिस इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया कि नहीं ये बताओ, अब अभी तुम पढ़े भी नहीं हो सेंट्रीपिटल फोर्स, पढ़े हो लेकिन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम लोग फॉर्मूला निकाल लिए किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का, क्लियर है तुम्हारा सनी 100%। दिक्कत है अभी भी, हाँ नोट कर लिया इसको, देख लो यहां से मिटा दें, देखो डायमेंशन कितना इंटरेस्टिंग है कि नहीं, यदि डायमेंशन पता हो जो इक्वेशन नहीं भी जान रहा वो भी निकल जाएगा तुम लोग से, नहीं निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है वो भी देख लो, एनर्जी वाला था, उसके बाद आएंगे। सनी ये बताओ अब वो क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, हम इसलिए वो डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं बताए हैं, हम पहले बेस बताना चाह रहे हैं, उसके बाद हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन वो था नहीं बना था, अभी बनेगा कि नहीं ये बताओ, कोशिश करोगे तो आ? बन जाएगा, ठीक है। उसमें रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, इनर्जी पे, यही बोला, उसमें रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है किस पर, वर्क पे है ना, और चार्ज पे और फ्रीक्वेंसी पे, क्या तुम नहीं नहीं निकाल सकते हो, अब बता दो, यही तो हम देख लेना, हम यही व्हाट्सएप भी कहते थे, अब समझ आ रहा उर्दू लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको करना एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट, और ये करना है सबको, क्वेश्चन भेजा था सनी, नोट कर लिया होगा,
सर उतना इंटरेस्ट कहाँ है, शनि भेजा था शनि जाएगा क्या? क्या विजय शनि ने भेजा, नोट किया था? अच्छा, इसीलिए मेरा भी ये वीडियो सर के ऊपर से देख रहा है। ठीक है, अब देख लो, एक 28 ये आगे आएगा और शनि वाला क्वेश्चन होमवर्क है, आप सबमिट करना है, देखेंगे कितने कितने को इंटरेस्ट है। यदि यदि नोट नहीं किया होगा तो बोलना शनि को भाई भेज दे एक बार। ठीक है, ठीक है विजय, ठीक है बोल देना चुपके चुपके भाई भेज दो, हम तो नोट किए नहीं थे। एनर्जी ई ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम एक्सक्यूटिंग, नया नया चीज करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, नाम सुने हो? धीरे धीरे सुनोगे, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, एस एच एम, हम अभी से सुना के रखते हैं, सिंपल एनर्जी ई ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम एक्सक्यूटिंग, ई एक्स सी यू टी आई एन जी, एक्सक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एस एच एम बोलते हैं इसको, ठीक है, विथ एम्पलीट्यूड। आप देखो, हमको कुछ पता नहीं है एस एच एम क्या है, नहीं है, ठीक है, नहीं है पता ना, पता है तुम लोग को? हाँ, लेकिन इसका डायमेंशन के हेल्प से हमको एक्सप्रेशन निकालना है, तो देखो तुम निकाल लोगे, होशियार तो हो ही। देख लो, मोशन एम्पलीट्यूड ए से डिनोट करते हैं, ये तो पढ़े ही हो 9th क्लास में, एम्पलीट्यूड को ए से। एंड ये मत बोलना कि सर नहीं पढ़े थे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी पढ़ा ही होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगास करते हैं, डिपेंड्स अपॉन एम ए एंड, दिखाई दे रहा है सबको, ओमेगा, फाइंड, अब फाइंड, सब कुछ नया ही होगा, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ई, एक्सप्रेशन फॉर ई, पहले नीचे वाला देख लो, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं बताओ, ऊपर से नोट कर लियो, नीचे वाला देख लो, कह रहा है एनर्जी ई ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम एक्सक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, नाम तो सुने हो एस एच एम, अब एस एच एम को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, विथ एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, डिपेंड्स अपॉन मास एम एम्पलीट्यूड को ए एंड ओमेगा, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फॉर ई, बन जाएगा अच्छे से कि नहीं? मिटा दें इसको, ठीक है? अब देख लो, ये मान लिया होगा सब, बच्चा वाला क्वेश्चन है, ई बराबर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम पे पावर एक्स, लिखा होगा कि नहीं बताओ, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए पे पावर वाई, लिखा कि नहीं, और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा पावर, मान लियो? तो सर ये तो बच्चा वाला चीज था,
ये के लगा दिए सर, एम पे पावर एक्स, ए पे पावर वाई, ओमेगा पे पावर जेड, कर लिया होगा ठीक है। और इनर्जी का डायमेंशन तो सर याद ही हो गया, क्या देख लो, एम एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यही ना पढ़े हो ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, मास का तो एम पे पावर एक्स हो जाएगा। ये बताओ एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, इसका इसका डायमेंशन क्या लेंगे, कोई बता दो फटाक, है तो ठीक है बता दो फास्ट, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि नाइन्थ में पढ़ के आया है ये 100%। एम्पलीट्यूड लेंथ ही तो होता है, लेंथ ही तो होता है एम्पलीट्यूड, तो एल पे पावर वाई हो जाएगा कि नहीं, लेंथ ही होता है एम्पलीट्यूड। और एंगुलर फ्रिक्वेंसी का सर पढ़ के आए हैं, क्या होता बता दो डायमेंशन, पढ़ाने से फायदा नहीं है तुम लोग से, टी पे पावर माइनस वन। सुन लो, यदि ये थर्ड क्लास है तो थर्ड क्लास तक पूरा घोर के पी जाओ ठीक है, यदि आगे करना है कंटिन्यू तो ठीक है, क्योंकि आने वाला है, देख लो सनी ये क्वेश्चन भेजा था, हम इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिए हैं ग्रीप बनाने के लिए, अब कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, इसलिए मेरा पढ़ाई जो होता है उसी तरीके से होता है, इसलिए ध्यान देना। अभी तक जो भी क्लास किए हो पीछे जितना भी डायमेंशन लिखा है वो 100% दिमाग में अपडेट होना चाहिए यदि आगे करना है। अभी एंगुलर फ्रिक्वेंसी पे अटक जाओगे तो ये कहाँ से बनेगा, टी पे पावर माइनस वन नहीं पढ़े हो, और उस पे पावर कितना जेड होगा कि नहीं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इधर आप डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं ना, देख लो एम पे पावर वन एम पे पावर एक्स, ये ऐसे लिख देते हैं तो जिसको समझ में नहीं आएगा, एक्स इक्वल टू कितना आया, एक्स का वैल्यू वन आया। अब देख लो एल स्क्वायर और एल पे पावर वाई, तो वाई का वैल्यू कितना आया टू, इसको इधर कर देते हैं देख लो आया कि नहीं। अब टी पे पावर माइनस टू और टी पे पावर कितना है माइनस जेड आएगा, माइनस जेड, तो जेड भी कितना आया टू आया, आया कि नहीं, कि दिक्कत है, यहां तक कर लिया क्लियर, नोट करो इसको, छाप लो जल्दी से। हाँ एम एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आया सबका, ये बताओ आया कि दिक्कत नहीं आया, अच्छा एम ओमेगा ए स्क्वायर ना, हाँ वो स्क्वायर होगा ना, वाई का भी वैल्यू टू आया दीपक, और जेड का भी वैल्यू टू आया, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आया कि नहीं, के का वैल्यू हम लोग वन बाय टू लेते हैं, ये याद रखना, अभी याद करने का जरूरत नहीं है ठीक है। एक्सपेरिमेंटली के का वैल्यू कितना ले, वन बाय टू, ये बताओ इनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आया कि नहीं, ये होता है टोटल ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम, समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लो ठीक है, ये नोट करो, ये टोटल इनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट है, जब एसएचएम पढ़ोगे
ये डेरिवेशन पढ़ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये एनर्जी है, टोटल एनर्जी टी मतलब एम ऑब्जेक्ट का, एम पार्टिकल का। सनी क्लियर है? नोट कर लिया यहां से? क्लियर है? 100% की दिक्कत है? वो वाला रेसिस्टेंस वाला जो शनि भेजा है निकाल लोगे? क्योंकि सर वो क्वेश्चन ही नहीं देखे हैं। सही बात है ना? क्या सही बात है ना दीपक, मयंक और विजय? सॉल्यूशन भेजे थे, क्वेश्चन भेजा था सनी, तब ने सॉल्यूशन भेजे कि हवा में भेज दिए? कोई नहीं, सनी भेज देना क्वेश्चन एक बार, ठीक है? ठीक है, ऊपर हम तो तुम लोग का होगा, हम तो डिलीट मार देते हैं ना, बहुत जमा हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लियर है कि नहीं है? सनी बोल नहीं रहे हो तुम? नेटवर्क प्रॉब्लम, सनी बाहर हो गया। ठीक है, ये कर लेना, इस टाइप का देखना, बुक होगा तो बना बना के देखना। ठीक है, अब फिर अगले क्लास में मिलते हैं। नाइन्थ क्लास का कल मॉर्निंग होगा 7:15 से। ठीक है, ओके, बाय।